हरी कृष्ण। तो बहुत अच्छा लगा आप सबकी इंट्रोडक्शंस जान के। जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं क्लास में तो उनको हम थोड़ा सा ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि कल से आप लोग 8:45 बजे ज्वाइन करें, ताकि हम लोग एक दूसरे से बात कर सकें, जो हमारी डिफिकल्टीज हैं उनको ले सकें। थोड़ा सा 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम हो तो हमें और अच्छे से इंटरेक्शन का टाइम मिलेगा। तो ये बहुत सुंदर उपलब्धि है आप सबके लिए और हमारे लिए कि हमें इतने सुंदर भक्तों का संग मिल रहा है। तो हमारा आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो अब हम इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताते हैं कि मैं और पवन प्रभु जी हम आपके होस्ट और को होस्ट रहेंगे, और हम अपने आप को आपके कोई टीचर्स नहीं मानते, बल्कि आपके साथ साथ हम भी एक बार फिर से भगवद्गीता पढ़ेंगे। तो आप सबका संग मिल रहा है और हम फिर से भगवद्गीता पढ़ पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कृपा करके हमारी विनती है कि पूरे 18 दिन आप अपना ये सुंदर संग हमें दिए रखें, ताकि हम भगवद्गीता को एक बार फिर से आपके साथ अच्छी तरह से पढ़ पाए। तो आपको हमारा संग चाहिए या नहीं चाहिए ये आप डिसाइड करें, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें आपका संग जरूर जरूर चाहिए। तो अब शुरुआत करते हैं। गुरुदेव श्रील प्रभुपाद को सबसे पहले हम सब नमन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमस्कार। और भगवान के इस सुंदर कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए हम सब भगवत नामों का एक छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं। तो जब भी हम कोई भी कक्षा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने गुरु की वंदना करते हैं, और हमारे गुरु कौन है? गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद। ठीक है, तो जब भी हमने कोई भी आध्यात्मिक प्रोग्राम करना है, चाहे पढ़ना है, चाहे पढ़ाना है, चाहे सुनना है, चाहे प्रवचन करना है, आप में से सभी भक्त कल को प्रीचिंग के लिए जाएंगे, बहुत अच्छी कोटि के भक्त बनेंगे, तो सबसे पहले हमें गुरु की वंदना करनी होती है। तो श्रील प्रभुपाद का एक प्रणाम मंत्र है, वो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इन मंत्रों के बाद हम भगवान का कीर्तन करते हैं, और भगवान का कीर्तन बहुत सुंदर होता है। छोटा सा कीर्तन करेंगे ताकि इसके बाद फिर हम डायरेक्ट कक्षा शुरुआत कर सके। क्षमा चाहती हूँ, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा सोसाइटी में अचानक से कुछ नॉइज हो गया है, शायद कोई अननोन व्यक्ति के आने की वजह से कुछ डॉग्स को परेशानी हो गई है और बहुत अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हो रहा है, क्षमा चाहती हूँ। हम अपना ध्यान भगवान की तरफ केंद्रित करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान का कीर्तन इतना सुंदर होता है कि इसको रोकने का मन ही नहीं करता, लेकिन फिर आप सबके साथ भगवद गीता की शुरुआत भी तो करनी है। तो इसके बाद हम मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण से पहले हम भगवान को नमन करते हैं। कैसे? श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताई जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसके बाद हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण आप सभी की भगवद गीता के पहले ही पृष्ठ पे दिया हुआ है, पर जिनके पास अभी बुक नहीं है, जो अब नहीं बीच में से उठ सकते, कोई बात नहीं, आज हम आपके लिए मंगलाचरण करते हैं। आप हमें सुने और फिर कल से अपने भगवद गीता की प्रति साथ में लेके बैठे, ताकि आप भी हमारे साथ साथ मंगलाचरण करें।
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर लग रहा है, आप सबकी संख्या बहुत अच्छी बढ़ रही है, हमें देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। जो भक्त अभी अभी जुड़े हैं उन सबका अभिनंदन करते हैं। आप सभी को एक बार हरे कृष्णा और हमारी तरफ से दंडवत प्रणाम। आप लोगों का संग मिल रहा है, आपके माध्यम से हम फिर से भगवद गीता को पढ़ पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हम ये तय कर चुके हैं कि हमें आपका संग इन पूरे 18 दिनों में चाहिए ताकि हम भगवद गीता अच्छे से पढ़ सके। हम आपके टीचर्स बिल्कुल नहीं है, हम आपके साथ भगवद गीता पढ़ने आए हैं। तो आपको जहां कहीं भी शंकाएं हो आप उनको नोट करते रहे और सत्र के एंड में हम उनको क्वेश्चंस के रूप में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो टॉपिक हमने पढ़ा हो हम केवल उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करें, क्योंकि अगर हम अपनी अन्य जिज्ञासाओं को बीच में रखेंगे तो फिर समय की उपलब्धि होने के ना होने के कारण शायद हम कुछ प्रश्नों को नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमें ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, कल से कृपा करके पौने 9 बजे जुड़ जाएं ताकि हम पूरा समय अच्छी तरह से पढ़ सकें और भगवद गीता को न केवल समझ सकें बल्कि धीरे धीरे इन 18 दिनों में हम भगवद गीता को अपने जीवन में भी उतारें। तो आइए अब शुरू करते हैं हम आज का सत्र। देखिए जहां से हम शुरुआत करेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं। तो हम कुछ पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि भगवद गीता में कुल मिला के 700 श्लोक हैं। ठीक है, पहली बात की 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो हर तरह से आपको इस पुस्तक को जिस तरह से इस ग्रंथ को पढ़ना है हम आपको उसकी थोड़ी थोड़ी करके विधि भी समझाएंगे, और साथ ही साथ क्योंकि समय कम है तो हम डेली के चैप्टर्स के साथ साथ ही आपको ये सब चीजें समझाया करेंगे ताकि आप इसको पूरी तरह से विधिवत समझ सके। तो एक से दूसरे अध्याय में हम कभी भी पहला अध्याय खत्म किए बिना जंप नहीं करेंगे। पूरा अध्याय एक दिन में कोशिश करेंगे समाप्त करने की। पूरे 18 दिन आप हमारे साथ जुड़े रहें। यदि कुछ भी मिस होता है तो हम कोशिश करेंगे कि टेम्पल की परमिशन मिली तो हम आपको रिकॉर्डिंग्स भी भेजेंगे, आपके साथ क्विज भी करेंगे, पोलिंग भी होगी, बहुत कुछ होगा। तो आपका केवल इतना सानिध्य चाहिए कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, बस आपका सानिध्य हमारे लिए सब कुछ है, आपका साथ हमारे लिए सब कुछ है। तो देखिए पहला अध्याय समझने के लिए हम थोड़ा सा भगवद गीता की बैकग्राउंड को समझेंगे। तो कहां पर ये भगवद गीता कही गई, देखिए अध्याय का नाम पढ़िए, चैप्टर का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो भगवद गीता कहां कही गई, कुरुक्षेत्र में। कब कही गई, जब
भगवान अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाते हैं, जहां से अर्जुन दोनों तरफ की सेनाओं को देखना चाहते हैं। महाभारत का युद्ध तो आप सबको पता ही है, कुरुक्षेत्र में हुआ था। एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। कौरवों की अध्यक्षता पितामह भीष्म कर रहे थे और पांडवों का नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहे थे, और अर्जुन अपने सारथी अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ वहीं पर मौजूद थे। और तब तक अर्जुन को ये लगा कि मैं दोनों सैनिकों को देखूंगा, पांडवों की सेना भी देखूंगा, कौरवों की भी देखूंगा, ये जानने के लिए कि दोनों तरफ से कौन युद्ध करे। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है, लेकिन उससे पहले आइए हम हमारे गुरुदेव शिला प्रभुपाद के बारे में समझते हैं। तो अभी जो चित्र आपके स्क्रीन पे है, ये गुरुदेव शिला प्रभुपाद का है। प्रभुपाद हमारे गुरु हैं, प्रभुपाद की लिखी हुई भगवद गीता ही आप पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सौभाग्य है आप सबका कि आपको प्रभुपाद की लिखी हुई गीता पढ़ने का अवसर मिल रहा है। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। इस्कॉन क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, अर्थात इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई एज इन इंटरनेशनल, एस फॉर सोसाइटी, के फॉर कृष्णा और CON फॉर कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसका की जिसकी फाउंडेशन किसने रखी? जगत गुरु शिला प्रभुपाद ने। तो यहाँ दिखाया है प्रभुपाद एक नन्हे से बच्चे के रूप में पहली तस्वीर में, कैसे उनका जन्म हुआ एक बंगाली परिवार में कैलकटा में, और दूसरे तस्वीर में ये प्रभुपाद के गुरुदेव हैं जो बैठे हैं, और साइड में देखिए प्रभुपाद दिख रहे हैं, एक यंग है उस टाइम, वो समझ रहे हैं अपने गुरु से। उसके बाद तीसरी तस्वीर में प्रभुपाद बड़े हो जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं। 1965 में प्रभुपाद एक मालवाहक जहाज, जैसे कि गुड्स ट्रेन होती है ना, ऐसे ही कार्गो शिप जो होता है, जिसमें केवल सामान और ये सब चीजें शिप करनी पड़ती हैं, ऐसे जहाज में प्रभुपाद अमेरिका गए और वहां जाके उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। देखिए इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म परिवर्तन कर लिए, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जबरदस्ती जबरन, लेकिन प्रभुपाद ने अमेरिका में किसी को जबरदस्ती कृष्ण भावनामृत संघ से नहीं जोड़ा, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम ही इस प्रकार से उन्होंने लिया कि सब उनके पीछे पीछे कृष्णा के फॉलोअर्स बन गए। और आज आप विश्व के किसी भी कंट्री में जाइए, आपको इस्कॉन टेम्पल्स भी मिलेंगे और इस्कॉन डिवोटीज तो अवश्य मिलेंगे। ये प्रभुपाद का चमत्कार है। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ देखिए किस तरह से ये अंग्रेजी लोग कैसे प्रभुपाद के मृदंग की थाप पर नाच रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद ने लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ा। ये प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, प्रभुपाद ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। हम जो भगवद गीता पढ़ेंगे वो भी प्रभुपाद की ही ट्रांसलेटेड है। ये है श्री श्री राधा गोविंद जी, दर्शन कीजिए सब, भगवान की आंखों में देखिए भगवान के कितने सुंदर नेत्र हैं, भगवान के चरण कमल नहीं दिख रहे, वैसे हम विग्रहों को हमेशा चरण कमलों से देखते हैं, परंतु कुछ स्क्रीन के कारण पिक्चर इस तरह की है कि भगवान के चरण नहीं दिख रहे। आज से एक प्रण लीजिए कि जब भी आप भगवान के दर्शन करेंगे तो कभी आईज से नहीं शुरू करेंगे, पैरों से शुरू करेंगे। हमने क्यों आपको कहा? क्योंकि भगवान के पैर दिख नहीं रहते इसमें, लेकिन हम पैरों से शुरू करके ऊपर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम आपको छोटी छोटी बातें जो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है वो बताते चलेंगे, जिससे कि सत्र बहुत इंटरेस्टिंग रहे और आपको इन 18 दिनों में सब कुछ सीखने को मिले। देखिए भगवान पे पुष्पों की वर्षा हो रही है। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। हरि बोल। कितना सुंदर लग रहा है ना, भगवान पे पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये आपका मंदिर है इस्कॉन बेंगलुरु, और यहाँ के अध्यक्ष हैं हिज ग्रेस नाम निष्ठा दास प्रभु जी, जिनके कारण आप इतने सुंदर कार्यक्रम से जुड़ पाए हैं। देखिए भगवद गीता का ये सुंदर कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, कहाँ कहाँ से बच्चे जुड़ रहे हैं, ना केवल इंडिया की सभी स्टेट से बल्कि वर्ल्ड की सभी कंट्रीज से। एंड ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस नामनिष्ठा दास प्रभु जी, क्योंकि उन्हीं के कारण ये प्रोग्राम इतना सुंदर चल रहा है। अब हम भगवद गीता के बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं। तो ये एक महाकाव्य है, एक ग्रंथ है, इसमें हमारी सब समस्याओं के उत्तर है। लेकिन हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना कि इसमें हमें समस्याओं के उत्तर मिलेंगे, हमें भगवान को समझना है। भगवद गीता की उपलब्धि हम तब समझ पाएंगे जब हम भगवान से जुड़ पाए।
महात्मा गांधी और आइंस्टाइन जैसे लोगों ने क्या कहा, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। मैं स्लाइड्स रन करती हूँ साथ साथ, आप जितना इसमें से पढ़ सके पढ़िए, और आई थिंक ये स्लाइड्स भी बाद में आपको दी जाएंगी, पवन दुबे प्रभु जी आपको बाद में बता देंगे। गीता एक विशाल ग्रंथ है, गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता है। हम तो 18 दिनों में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, हम इसको शॉर्ट में समझेंगे, एक समरी की तरह। तो अब अर्जुन को भगवान ने भगवद गीता क्यों दी, क्योंकि अर्जुन भ्रमित थे। किस चीज से? माया से। कितना अजीब लगता है सुनने में, अर्जुन जो भगवान के इतने सुंदर इतने महान भक्त थे वो माया से भ्रमित हो गए? नहीं, ऐसा नहीं था। भगवान का हर चीज के पीछे कोई प्रयोजन होता है। अगर भगवान ने अर्जुन को भ्रमित किया ना होता तो आज हम सब बैठ के भगवद गीता कैसे सुन रहे होते, है ना? अगर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न ना किए होते तो हमें ये लाइफ मैनुअल कैसे मिलता, सभी समस्याओं के उत्तर कैसे मिलते? तो भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कोई कारण होता है। तो अब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं हरे कृष्णा बोल के। आप सब भी कहिए हरे कृष्णा, और आइए अब भगवद गीता की यात्रा शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता की यात्रा शुरू करते हुए हम गीता महात्म्य को पढ़ेंगे। गीता महात्म्य क्या है कि आदि शंकराचार्य जी ने, आप सब आदि शंकराचार्य के बारे में जानते होंगे, आप सबने उनके बारे में सुना भी जरूर होगा। तो उन्होंने भगवद गीता के ऊपर क्या टीका लिखी, उन्होंने कैसे भगवद गीता की महिमा, भगवद गीता को महिमा मंडित किया, क्या कह के उन्होंने भगवद गीता के बारे में बताया, ये सुनते हैं। आप में से कोई रीडिंग करना चाहेंगे तो हैंड रेस करें, जो कोई भी रीड करना चाहते हैं, किसी का भी अगर मन है हमारे साथ साथ रीड करने का तो आप लोग रीड भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे युवक युवतियां रीड करते हैं। तो अभी हम पहले श्लोक पढ़ते हैं, हरी बोल। कितने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, हरी बोल। तो इसमें हरी 8 श्लोक बोल। आएंगे, सात श्लोक आएंगे, एक एक करके आप सब लोग इनको पढ़िएगा, केवल हिंदी को। और कल से फिर जो लोग संस्कृत भी पढ़ना चाहें कल से वो संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान विष्णोः पादम अवाप्नोति भयशोकादि वर्जितः। वंदना माता जी, सॉरी वसुधा माता जी, भगवत अनम्यूट करें। गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय और चिंताओं से मुक्त है। जो कि समस्त भय और चिंताओं से मुक्त है। तो इसको ध्यान से पढ़ने से क्या होगा, आपको भगवान विष्णु का आश्रय मिलेगा, और भगवान विष्णु का आश्रय मिलने से क्या होगा, आप सब तरह के कलमशों से कलेशों से आपको आप आगे निकल जाएंगे। दूसरा श्लोक, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कशिश माता जी, ऐश्वर्य ऐश्वर्य नहीं ओके प्रभु जी आप करते जाइए। ऐश्वर्य प्रधान माता जी 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 आप करते जाइए। करते यदि कोई भगवत ऐश्वर्य ठीक गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हरी बोल। तो ये आप सबके लिए कितना बड़ा पॉइंट आ गया, अब आपको निष्ठा और गंभीरता से पढ़ना है तो अब तक भी जो पाप किए हैं ना वो भी कट जाएंगे। ये है भगवद गीता की महिमा। तो ये प्रण ले लीजिए कि कल से, आज तो चलो हो सकता है हम पूरे अटेंटिव ना हो, लेकिन कल से जब हम पढ़ेंगे तो पूरी गंभीरता के साथ, ताकि कल से पाप कटने का प्रोग्राम शुरू। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृता स्नानम संसार मलनाशनम। कशिश माता जी हरे कृष्णा। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में स्नान एक बार भी कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हरि बोल। सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी अगर कोई स्नान कर ले
तो वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इससे बड़ा और अवसर क्या मिलेगा हमें कि हम सब भक्तों के संग में बैठकर भगवद गीता को समझ रहे हैं। तो पाप तो कटेंगे ही कटेंगे और सदा सदा के लिए भौतिक कलमश भी दूर हो जाएंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यौ शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मानि मुखपद्मान्तिनी हस्त्रिता। अभिजीत राहुल वाली है प्रभु जी। अभिजीत प्रभु जी, अनम्यूट करें अभिजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण, सॉरी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मैं पढ़ती हूँ। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः वो किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता को का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता माध्यम 4:4। हरे कृष्णा। क्योंकि इसको, हरे कृष्णा, क्योंकि इसको भगवान ने स्वयं लिखा है, बोला है, और क्योंकि इस एक ग्रंथ को पढ़ लेने से हमें सभी ग्रंथों के बारे में जानकारी मिल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एक को पढ़ने से सारे ग्रंथ, सब कुछ इसी के अंदर है। जो कुछ भी इस संसार में है वो सब भगवद गीता के अंदर है। तो भगवद गीता पढ़ ली मतलब दुनिया के सारे ग्रंथ पढ़ लिए। भारत अमृत सर्वस्यम विष्णु वक्त्रादिनी हस्तम गीता गंधोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भव्य माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे जो कृष्ण। गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। यस। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है। देखिए, बाकी ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो किसी ना किसी ने लिखे होते हैं, उनका कोई कवि होता है, गद्य है, पद्य है, किसी कवि ने लिखा होगा, किसी लेखक ने लिखा होगा, किसी महापुरुष ने, ऋषि मुनि ने लिखा होगा, लेकिन भगवद गीता स्वयं भगवान ने कही है। आप सोचिए, हम वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसका एक एक शब्द भगवान का कहा हुआ है। तो हमें बहुत लालायित होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए, कि एक श्लोक मिल जाए मुझे पढ़ने के लिए, कि एक शब्द मिल जाए मुझे पढ़ने के लिए। हमें एकदम, हमें क्यूरियस रहना चाहिए, अंदर से हमारी डिजायर बढ़नी चाहिए इसके लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं बोले हैं। जो पढ़ेंगे अभी, हम भगवान के बोले हुए शब्द पढ़ेंगे, है ना? इसलिए भगवद गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। सिर्फ माता जी, हरे कृष्णा। यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो शमशत उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में व्याख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बिछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। हरे देखिए, कृष्ण। भगवद गीता को हमें कैसे समझना है? समस्त उपनिषदों के सार के रूप में। जैसे कि एक गाय को कौन धोता है, कौन उसका दूध पीता है, किस तरह से ये प्रक्रिया चलती है, ठीक वैसे ही समझाया है। तो किस तरह से हमें भगवद गीता को लेना है कि बस हमें तो इस अमृत गंगा को पीना है, कुछ भी करके हमें छोड़ना नहीं है, एक भी बूंद नहीं छोड़नी। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अलका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्यक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण एक मंत्र, एक प्रार्थना हो,
उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। हरे हरी कृष्ण। बोल हरी बोल। एक शास्त्र कौन सा? भगवद गीता। एक ईश्वर कौन? भगवान श्री कृष्ण। एक धर्म कृष्ण भावनामृत। एक ही हो वो कौन? भगवान श्री कृष्ण देवकी पुत्र। देखिए यहां पर भगवान के नाम के साथ देवकी नंदन भी आ गया है, देवकी पुत्र। एक ही मंत्र हो, एक ही प्रार्थना। कौन सा मंत्र? हरे एक हमारा हरे कृष्णा महामंत्र। कैसे बोलना है? 16 कृष्णा शब्दों में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे राम कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे हरे। और एक ही हमारा कार्य हो, क्या कार्य हो? भगवान की सेवा, जो अभी आप सब कर रहे हैं। आप कोई बुक या नॉवल नहीं पढ़ रहे, आप भगवान की वाणी को पढ़ रहे हैं। तो भगवान की वाणी को पढ़ के आप भगवान के इस ग्रंथ के द्वारा, इसको पढ़ के, इसका श्रवण करके आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इसको बीच में मत छोड़िए, इस सेवा को पूर्ण करना है। आप सबने मिलके इस 18 दिन के यज्ञ को संपूर्ण करना है, और आप सबके इस सुंदर सानिध्य के बिना ये यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले दिन 50 लोग, दूसरे दिन 35, तीसरे दिन 20, और फिर लास्ट के 18 दिन में से लास्ट के 15 दिन 4-5। तो फिर वही 4-5 होंगे जिन पे भगवान की कृपा भी होगी। तो हम सबने इकट्ठे इस यज्ञ को शुरू किया है, तो ये संकल्प लीजिए कि हम सब मिलके इस यज्ञ को बहुत अच्छी तरह पूरा करेंगे। हरी बोल। हम तो बहुत हरी प्रसन्न है बोल। क्योंकि आप सबका साथ मिल रहा है। हरी कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरी चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो ये पहला भगवद गीता का पहला श्लोक है, और देखिए भगवद गीता का पहला श्लोक कौन कह रहे हैं? धृतराष्ट्र, जो दुर्योधन के पिता थे। जिन्हें महाभारत का ज्ञान होगा वो तो सब कुछ समझ जाएंगे। बाय चांस 1% अगर ऐसा हो कि आपको कैरेक्टर्स का पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ महाभारत करके आप गूगल पे टाइप करके और थोड़ा सा इसको जनरली पढ़िए, तो आपको कल तक ही आइडिया हो जाएगा, ताकि सेकेंड चैप्टर में प्रवेश करने से पहले आपको पता हो कि आप किन के बारे में बात करें। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हैंड रेज करें, कौन पढ़ना चाहते हैं? अभी बहुत सारी स्लाइड्स हैं, 20-22 स्लाइड्स और बची हैं, सब एक एक करके पढ़ते चलेंगे। ऐश्वर्या माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया? मेरे और पांडु के पुत्र, देख रहे हैं आप, पहले ही क्वेश्चन में धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों और पांडु पुत्रों को अलग कर दिया। तो हम थोड़ा थोड़ा बीच का जो है उसको आप रीड करते चलें, और मैं आपको इसके बारे में एक स्टोरी लाइन की तरह समझाती चलूंगी। तो क्या होता है कि महाभारत में जहां पर ये दोनों कौरव पांडव आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तो धृतराष्ट्र के मन में जो था सिर्फ अपने पुत्रों को लेके मोह था। अपने जो अनुज पुत्र थे पांडव, उनको लेके उनके मन में कोई मोह नहीं था, और धृतराष्ट्र अंदर से यही चाहते थे कि मेरे पुत्र इस युद्ध को जीते, ताकि अनुज पुत्र पांडु पुत्रों को ये सब ना मिले। तो अब आगे क्या होता है कि जब संजय जो है उनको भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, भगवान वेद व्यास जी ने, जो कि स्वयं वेद व्यास जी भी बहुत भगवान का एक रूप ही है, क्योंकि उन्होंने इतने सुंदर सुंदर भगवान के ग्रंथ दिए हैं हमें। तो वेद व्यास जी ने, श्री वेद व्यास जी ने अपने शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कि जो वही हस्तिनापुर से बैठ करके कुरुक्षेत्र में, जैसे आज के टाइम पे सैटेलाइट होता है, आपका केबल टीवी होता है, तो वहीं से वो बैठ के लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे कि युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले वहां पर व्यूह रचना होती है। तो कहते हैं कि हे आचार्य, ये दुर्योधन कह रहे हैं, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। तो दुर्योधन की वाणी में कहीं ना कहीं एक कटुता के साथ साथ टॉन्ट भी है, क्योंकि इसके बारे में आप इस कथा को जब पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा महाभारत की इंट्रोडक्शन पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से द्रुपद का इनसे क्या कनेक्शन था। द्रुपद कौन थे, द्रुपद दृष्टद्युम्न कौन थे, दुर्योधन के साथ उनका क्या रिलेशन था, पांडवों के साथ उनका क्या रिलेशन था, गुरु द्रोण के साथ उनका क्या रिलेशन था। एक पूरी स्टोरी है। आप इससे पहले वाला जो ये वर्स है भगवद गीता का, 1.2 एंड 3, मतलब भगवद गीता 1 मीन्स चैप्टर 1,
पॉइंट टू एंड थ्री मीन श्लोक संख्या दो और तीन, इसके तात्पर्यों को पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगी इसकी स्टोरी। तो जब ये सब होता है तो जो पितामह भीष्म है जो कि दुर्योधन की सेना को अध्यक्ष है, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो अपना शंख बजाते हैं। शंख बजाने का मतलब क्या हुआ? युद्ध की घोषणा, है ना? शंख बजाने का मतलब हुआ युद्ध की घोषणा। ततः श्वेतैर युक्ते महति स्यनंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदमतु सॉरी दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो देखिए सब अपने अपने शंख बजा रहे हैं। शंख बजाने का क्या अर्थात इसमें निकलता है, क्या मतलब निकलता है कि उधर से भी युद्ध की घोषणा हो गई, इधर से भी युद्ध की घोषणा हो गई। अतः व्यवस्थान दृष्टा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरद्यम पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। कशिश माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो भगवान का जो रथ था जिसपे अर्जुन स्वयं थे और भगवान स्वयं उसके सारथी के रूप में उसके साथ थे, इसके ऊपर कपित ध्वजः हनुमान जी के लिए कहा गया है। ध्वजा मतलब जो ऊपर झंडा लहराता है, कपि मतलब वानर। तो उनके इस पे कपि हम जो वानर यहाँ पर वानर है वो हम वानर से नहीं लिया गया, या हनुमान जी के लिए वर्ड आया है। कपि ध्वजा मतलब ऐसा ध्वज जिसके ऊपर हनुमान जी स्वयं विराजमान थे, है ना? तो इसलिए देखा लिखा है ना नीचे, उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर। तो अब क्या होता है देखते हैं कि अर्जुन अब दोनों तरह की सेना को देखने तो गए हैं, लेकिन अब कैसे अर्जुन का क्या हाल होने वाला है वो अब आप सब देखेंगे। अर्जुन कहते हैं, आइए अब अर्जुन की वाणी सुनते हैं। हरि बोल। बहुत महान भक्त थे अर्जुन, भगवान के मित्र थे। सोचिए उनका क्या भाग्य होगा जो भगवान के मित्र भी थे, शिष्य भी थे, संबंधी भी थे, भ्राता भी थे, और फिर सबसे बड़ी बात कि भगवान के सबसे बड़े भक्त भी थे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि मेरे रथ को ठीक सेंटर में ले चलो ताकि मैं सबको देख सकूं। अब वहां पर क्या होता है, कौन कौन खड़े हुए हैं देखिए। अर्जुन के चाचा हैं, ताऊ हैं, पितामह हैं मतलब दादा हैं, गुरु हैं, मामा हैं, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सब उसके रिश्तेदार दोनों तरफ खड़े हुए हैं। इधर भी हैं, उधर भी हैं। भाई अपनी तरफ तो है ही, वो तो बात समझ में आती है कि अपने रिश्तेदार अपनी तरफ हैं, लेकिन सामने भी तो अपने ही रिश्ते हैं। वो जिनके साथ बचपन में खेले, वो जिनके साथ गोदी में जिनकी बैठे, पितामह मतलब दादा, और फिर गुरु। आप अपने गुरु पे बाण चलाना है आपको, आपको अपने दादा मतलब पितामह का वध करना है, इससे तो विषाद परिस्थिति और कोई हो ही नहीं सकती। अर्जुना उवाच दृष्टेतम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। भव्य भव्या माता माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। बिल्कुल, आप परिस्थिति सोचिए क्या है जब सामने अपने मामा खड़े हैं, अपने पितामह खड़े हैं, अपने गुरु खड़े हैं, किसमें ये होगा साहस कि वो उठे और उस पर तीर चला दे। हम आप एक दूसरे को आज जानते भी नहीं, क्या आपको कहा जाए कि आप मुझ पे रिवॉल्वर तान दें, या मुझे कहा जाए कि मैं आपका वध करने के लिए खड़े हो जाऊं, तो क्या हो सकता है? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, हम तो हो भी सकते हैं। वो तो उनका उनके साथ खेला है, उनके बच्चे हैं वो, कहीं वो स्वयं किसी के बच्चे हैं, कहीं आगे उनसे छोटे छोटे उनके पुत्र पौत्र भी हैं।
तो कैसी विषम परिस्थिति है अर्जुन की, सोचकर हमारे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो अर्जुन का सोचिए क्या हाल हो रहा होगा। तो हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से तो मुझे कोई कोई भी मुझे इसमें कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही। मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा कैसे रख सकता हूं? तो पहले अर्जुन को क्या होता है, उनको एक डाउट होता है कि मैं कैसे ये युद्ध कर पाऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो डाउट जो है वो उनका स्थिर होता जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पढ़िए, आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी, अलका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्णा। सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहता हूं? माता जी म्यूट हो गए हैं, और कोई पढ़ दे। कुलदीप प्रभु जी अनम्यूट करें। अच्छा, मुझे आ गए, दोनों वापस आ लोग गए। जी क्यों नहीं मिलते हों? इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए, अर्जुन ने एक के बाद एक रीजंस देने शुरू किए। पहले उन्हें क्या लगा कि वो उन सबको मार भी दें तो उनको कोई आनंद नहीं मिलेगा। सबसे पहले अर्जुन को उन पे दया आई कि मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, फिर कोई आनंद नहीं मिलेगा। फिर तीसरा क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पाप भी लगेगा, और देखते हैं कि उनको उनको मारने के लिए अर्जुन के क्या क्या रीजंस हैं। चौथा रीजन क्या है कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई कुल का नाश होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन होती है, उस कुल की स्त्रियां। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, युद्ध में सारे सैनिक मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। सैनिक जो होते हैं वो यंग होते हैं सारे, तो इसका मतलब जितनी भी यंग लेडीज हैं वो सारी विधवा हो जाएंगी। ऐसी जो स्त्रियां यंग एज में विधवा हो जाती हैं, कहा गया है कि स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो कहीं ना कहीं उन स्त्रियों के किसी और पर पुरुष से भी संबंध जुड़ने की एक बन जाएगी प्रोबेबिलिटी, और अवांछित संतानें, है ना, इलीगल जनरेशन आनी शुरू हो जाएगी। तो अर्जुन कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मुझसे, मेरे कुल की स्त्रियां ही सारी नष्ट हो जाएंगी, आने वाली सारी जनरेशन ही मेरी भ्रष्ट हो जाएगी। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना। तो अर्जुन के इस शोक को समझने का प्रयास करना है हमें। संक करो नरकाय कुल घ्राणा कुलस्य च पतंती पितरो गोशाम लुप्त पिंडो तक क्रिया। कुलदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। देखिए, जब सारे यंगस्टर्स ही चले जाएंगे, जनरेशन ही खाली हो जाएगी, तो जो वयोवृद्ध मतलब जो एजिड लोग जाएंगे युद्ध में या इवन युद्ध के बाद में, उनका पिंडदान कौन करेगा? अब पिता पितामह बच जाएं और बच्चे चले जाएं, पुत्र पौत्र वध हो जाए, उनका मृत्यु हो, उनकी वीरगति को प्राप्त हो जाए, तो कौन बचेगा? पिंडदान ही नहीं हो पाएंगे। तो जिस आत्मा का पिंडदान ही नहीं होगा, उसकी गति कैसे होगी? तो फिर रह जाएंगी आत्माएं, सारे भूत पिशाच बन जाएंगे। जब पितर ही नहीं, पिंडदान करने के लिए नहीं रहेगा, तो पितर लोग कौन शांत करे? तो कितनी बड़ी अर्जुन ने यहाँ पे बात कही, पिंडदान कौन करेगा, सारी क्रियाएं ही समाप्त हो जाएंगी। संजय उवाच एव मुक्त अर्जुन संखे रथोपस्तोपाविशत विसृज सशरम चापम शोक संविग्रमानसः। अब संजय वहां धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, क्या पढ़िए। शिल्पी माता जी, हरे कृष्णा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक सतम संतप्त, सतम संतम्त चित्त से रथ के आशान पर बैठ गया। तो अर्जुन को इतना शोक हो गया कि
अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक तरफ रख दिया और शोक संतप्त होकर, मतलब शोक में पूरा अर्जुन डूब चुके हैं शोक में, क्योंकि अब उन्होंने 5 रीजंस दिए। ये 5 रीजंस आप याद भी रखिए, इस पे क्वेश्चन आएगा आपको क्विज में, क्या कि इस युद्ध को ना करने के अर्जुन ने क्या क्या कारण दिए। पहले अध्याय से क्वेश्चन आएगा आपको क्विज में, तो क्या क्या कारण दिए। पहला, अर्जुन को दया आती है। दूसरा, कि अर्जुन कहते हैं कि इस युद्ध को जीतने पे भी मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा। तीसरा, अर्जुन कहते हैं मुझे इस युद्ध को जीत के पाप लगेगा, बहुत घोर पाप लगेगा। चौथा, अर्जुन क्या कहते हैं कि मेरे कुल की स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी और मेरी आने वाली जो जेनरेशन है, पूरा समाज मेरा जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। और लास्ट, कि अर्जुन को एक असमंजस दिखाई देती है। अब वो असमंजस क्या है वो हम सेकेंड चैप्टर में आराम से समझे। हरे कृष्ण। तो ये था हमारा गीता का पहला अरे अध्याय, हरे कृष्ण। तो कैसा लगा आप सबको पहला अध्याय, कितना समझ में आया कितना नहीं। अब हम जल्दी से एक क्विक रिव्यू लेंगे। वसुधा माता जी अनम्यूट करें, हरे कैसा लगा कृष्णा, माता जी पहला चैप्टर आपको? बहुत अच्छा लगा। हरी बोल, आई एम ग्रेसफुल टू नो। हरी बोल, हरी बोल। हाँ, मेरे मेरे ये क्वेश्चन है अभी, कि आज से आपने स्टार्टिंग में बताया था कि भगवान को अगर स्पर्श, मतलब कि अगर भगवान को मतलब पैरों से देख के फिर स्पर्श करना चाहिए, मतलब हाँ, दर्शन, भगवान के हाँ, तो दर्शन जब हम पैरों, करते हैं तो हम भगवान की डायरेक्ट आईज में जाके आईज नहीं डालते, हम भगवान को अपना ग्रैटिट्यूड देने के लिए, अपनी पूरी भावनाएं समर्पित करने के लिए उनके पांव से, उनके चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखिए, आपके घर में जो भी कोई बड़े होते हैं, है ना, जैसे जो हमारी सनातन परंपरा है, तो हम के पांव को टच करते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि हम किसी बड़े के जाके आंखों पे हाथ रखें, नहीं ना, हम उनके पैरों से उनको टच करते हैं, उनके पैरों को, पांव छू के फिर वो अपने आईज पे लगाते हैं, सर पे लेते हैं, और वो भी हमारे शीश पे आशीर्वाद देते हैं। ऐसा होता है ना। तो भगवान तो सबसे बड़े हैं घर में, जो दादा परदादा दादी दादा होंगे वो तो फिर भी हमारे एक रिश्तेदार है, लेकिन भगवान का तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना। तो जब हम उन्हें देखेंगे तो हमारा ग्रेटिट्यूड कैसे हमें देना, सबसे पहले उनके चरण कमलों के दर्शन करें। और भगवान के चरण बहुत सुंदर है। आगे आगे आपको इसका अध्ययन, जब आप लेवल 2 करेंगे या भागवतम पढ़ेंगे, उसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर भगवान के दर्शन कैसे हैं, वो दिखने में कैसे हैं, ये सब भी देखने को मिलेगा। तो पहले हम भगवान के चरण देखने हैं, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाना है, फिर भगवान के बाजुओं को देखना है, फिर भगवान के वक्ष स्थल पे कितनी सुंदर मालाएं गिरी हुई है उनको देखना है, फिर भगवान के कानों में कुंडल है उनको देखना है, फिर उसके बाद धीरे से उनके नेत्रों की तरफ देखना है, फिर उनके मुकुट को देखना है, फिर उनकी पूरी छवि को देखना है। ये दर्शन का एक तरीका है। मेरा दूसरा ये क्वेश्चन था कि हर युग की प्रातः तो प्रलय आ जाता है, मतलब जैसे द्वापर युग आया, उसके बाद हर युग के बाद प्रलय आ जाता है ना, तो भगवत गीता कैसे आई यहाँ पे? वो आप चौथे तो अध्याय में द्वापर युग इसकी, में ही। हाँ, चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान जहां पढ़ेंगे, भगवत गीता की पूरी हिस्ट्री आएगी, चिंता मत कीजिए, बस आप जुड़े रहिए साथ में। ये कुल का नाश हो जाएगा, इसका मतलब नहीं समझ में आया। हाँ, देखिए, कुल का नाश इसलिए कहा क्योंकि जब सैनिक सारे वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, सैनिकों के जाने के कारण उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। तो एक ऐसा, एक एजम्पशन की गई है यहाँ पर कि जब स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वो भी यंग एज की स्त्रियां हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक व्यभिचार आ सकता है, कोई बाहर के पुरुष आकर बलपूर्वक उन्हें हर के ले जा सकते हैं, स्त्री का अपना मन किसी और के प्रति जा सकता है, क्योंकि सर से वो, जिसे कहते हैं ना, शेल्टर उठ जाएगा, क्योंकि मेल मेंबर्स तो सारे ही युद्ध में थे, कोई यंग था या कोई एजेड था, सब युद्ध में गए हुए थे, सब सैनिक बन के गए हुए थे। तो ऐसा होगा तो कुल आगे आने वाली जो संतानें होंगी वो वांछित हो जाएंगी ना। अब कोई स्त्री का कुल ये है, उसने बाहर के किसी और पुरुष से विवाह कर लिया, तो उसकी जो संतान हुई, या बिना विवाह के कोई संतान किसी स्त्री से हो गई, तो सोचिए कि कुल तो पूरा ही खराब हो जाएगा ना। और दूसरी बात कि जब यंग सारे लोग चले जाएंगे तो कोई वृद्ध कल को जब मरेगा तो उसका पिंडदान कौन करेगा, तो आत्माओं की गति ना होकर आत्माएं भूत पिशाच बन जाएंगी, तो इस तरह से पूरा का पूरा कुल का ही नाश हो जाएगा, ये समझाया गया है।
हरे कृष्णा। तो चैट बॉक्स में बहुत से लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, तो हमें आपसे अपनी तारीफ की कोई अपेक्षा नहीं है, हमें आपसे केवल आपका सानिध्य चाहिए कि आप रोज इसी तरह जुड़े रहें। और कल परसों से हम लोग क्विज भी स्टार्ट करेंगे, पोलिंग भी स्टार्ट करेंगे, तो जहां कहीं भी अब आज के चैप्टर से रिलेटेड आपको डिफिकल्टी है, अब हम 5-7 मिनट क्वेश्चंस ले सकते हैं। हमारा समय रहेगा क्लास का 9 बजे से 10 बजे तक, लेकिन हमें 15 मिनट पहले इसलिए जुड़ना है कि एक तो भगवान का हम सुंदर सा कीर्तन करेंगे रोज, दूसरा हमने लास्ट बैच जो साथ में पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था कि हम उन 15 मिनट में आपको मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें आपके साथ शेयर करते थे, जैसे मंदिर में सुबह के टाइम कौन सी आरती होती है, दिन के टाइम कौन सी आरती होती है, शाम के टाइम कौन सी आरती, हमने वो सारी आरतियां भी गाई। और क्या किया हमने, बहुत से मंदिर से जुड़े हुए फेस्टिवल्स के बारे में चर्चाएं की, तो वो 15 मिनट जो थे उसमें वो बड़े हेल्दी 15 मिनट होते थे, उसमें बहुत सी डिस्कशंस का टाइम मिल जाता था। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, हमने आपकी पर्सनल समस्याओं को भी सुलझाने की कोशिश की। एक दो युवा हमारे साथ ऐसे युवक जुड़े हुए थे जिनके साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो एक ओपन फोरम में जहां तक डिस्कशन हो सकी उसको भी हमने लिया, ताकि आपके साथ अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका भगवद गीता के द्वारा कोई स्पिरिचुअल सॉल्यूशन हम आपको दे पाए। देखिए सॉल्यूशन तो 100% है हर समस्या का, और है भी स्पिरिचुअल, हम आपको कहाँ तक वो समस्या का समाधान दे पाएंगे ये भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन हम प्रयास पूरा करेंगे। तो इसलिए आप सब अगर 9:45 बजे आएंगे तो हम 9:45 या 9:50 तक सारा समाप्त करके लास्ट के 10 मिनट में ये सारी डिस्कशंस कर लिया गया। तो अब किसी का आज से कोई प्रश्न है, आज के चैप्टर से कोई पूछना चाहे, या कोई कमेंट है आपके, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं, किसी बारे में आप कहना चाह रहे हैं कि आपको चैप्टर कैसा लगा, या आप इससे क्या सीख पाए, या आप कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, जरा सी 1 मिनट में बता दूं थोड़ा सा। जी हरे कृष्णा सभी लोगों को, आप सभी को। अभी जो क्लास हुआ है इसके बाद में एक लिंक आएगी क्विज की, तो आप सब लोग क्विज को रजिस्टर्ड करें और उसको आप करते रहें। क्विज को क्विज करते करते जब आप 18 दिन का क्विज कर लेंगे तो आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें से। और मैंने आपको डाला ही था कि कभी भी कोई दिक्कत अगर आपको, या रिकॉर्डिंग के संबंध में या किसी चीज के संबंध में, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और मैं अपना अनुभव इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी, मुझको भी ऐसी लिंक मिली थी, और आज से कम 15 महीने हो गए मुझको, लगातार मैं इन कार्यक्रमों में से जुड़ा हूँ, और मुझको इसके सिवा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। सब हमेशा निरंतर भगवान की इच्छा होती है, करते रहते हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप भगवान ने आपको भगवान ने चाहा है तो आप लोग सभी आए हैं, और मुरुमा माता जी बहुत अच्छी तरह से बताती हैं, तो आप सभी लोग भगवान का प्रसाद जरूर लें और निश्चित रूप से आप जुड़े रहें। कोई भी परेशानी हो तो आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे बात पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, देखिए क्विज डेली डेली करते रहिए, ऐसा ना हो कि आप 18वें दिन पे आ जाएं और आपके 5-6 क्विज बीच के रह जाएं, तो लेट ना कीजिए। जिस दिन पढ़ा 24 घंटे आपका लिंक खुला रहेगा, 24 घंटे में किसी भी समय अपना क्विज कर लीजिए, और छोटे छोटे क्विज हैं, बहुत ईजी हैं। और भगवद गीता सबके पास होनी चाहिए, जिनके पास नहीं है वो कृपया इस्कॉन मैंगलुरु से भगवद गीता की अपनी प्रति मंगवा सकते हैं, और इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए पवन दुबे प्रभु जी ने कहा है कि उनके पास, आप कभी भी व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं, या उनसे जैसे भी बात करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो कल भी हम 9:45 बजे जुड़ेंगे और इसी तरह से हम इस पाठ्यक्रम को आगे लेके चलेंगे। तो अब अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ इस सत्र को विराम देते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे शुरुआत में हम मंगलाचरण पढ़ते हैं, ऐसे ही अंत में हम वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ इसके इसका समापन करते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र क्या है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील जय प्रभुपाद महाराज की जय, जय आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।
हरे कृष्ण।